विष्णु के बड़े नेता उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है। यहाँ सत्कार साथियों, सियाही कांड बीजेपी ने कराया, यहाँ पर कार्यक्रम खराब करने की साजिश बीजेपी ने कराई। और मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और समाजवादी पार्टी से विधायक राम प्रसाद सैनी जी और उनके साथ तमाम सहयोगी साथियों को इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज जो पिछड़ापन है वो सामाजिक साजिश और सहन के तहत है। ये लड़ाई जरूर लंबी है लेकिन हमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। उनके समय समय पर षड्यंत्रकारी नारों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शोषित वंचित पिछड़े और जितने भी हमारे गरीब हैं जो अभाव में रह रहे हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी सिद्धांत हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये गैर बराबरी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारे साथी ने कहा कि ये भाषा, चुनाव लड़ने का तरीका या किसी एक कार्यक्रम में इस तरीके के लोगों को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। अगर घटना घोसी की हो या बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज यहां पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के विष्णु के बड़े नेता उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डेटा को फ्री कर दिया है, क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या सड़कों पर सांड नहीं घूम रहे? किसी सड़क पे निकल जाइए, सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं। अब तो सांड बीजेपी की सरकार में सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती हैं, चौथी मंजिल पे पहुंच रहा है और उसे ढूंढ रहा है जिसकी जिम्मेदारी है सांड हटाने की। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चौथे फ्लोर पर सांड पहुंच गया? अरे यही तो बीजेपी का विकास है। क्या इसी तरह विकसित भारत बनाएंगे आप? यही डेवलप्ड कंट्री होगा कि बिना लिफ्ट के सांड फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गया? क्या यही ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है आपकी कि रात भर आपको फोर्थ फ्लोर पे सांड के लिए चारा रखना पड़ा? तो इसलिए सवाल बुनियादी है। देखिए मैं आपसे, मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है, यही लखनऊ और इसी उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकाल लेना। उत्तर प्रदेश में लगातार गरीबों के या संपन्न परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है। सोचो तो बीजेपी को किसका नाम को अपने नेता के नाम से रखना पड़ा, कैंसर इंस्टीट्यूट। क्या वहां पर गरीबों के इलाज का इंतजाम हो गया? तो जरूरत यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हो तो क्या गरीबों का इलाज समय नहीं होना चाहिए? ओबीसी नेता के नाम पर रख लिया है। क्या चीज? ओबीसी नेता के नाम पर अस्पताल का नाम तो अच्छी बात है लेकिन क्या कैंसर का इलाज वहाँ हो रहा है? और हम लोग क्या है, सबका साथ सबका विकास में हम शामिल है कि नहीं है शामिल? सत्कार साथियों, सियाही कांड बीजेपी ने कराया, यहाँ पर कार्यक्रम खराब करने की साजिश बीजेपी ने कराई। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए
कि इस तरह का पॉलिटिकल व्यवहार नहीं होना चाहिए सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में आज एक दिवसीय पिछड़ा वर्ग जो सम्मेलन है उसका आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया था। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों में देखें तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हजारों की तादाद में आज कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो जनपद हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हैं साफ तौर पर। और एक बड़ा सम्मेलन जो है उसको यहाँ पर आयोजित किया गया है साफ तौर पर। इस सम्मेलन में जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर हुंकार भरी, वहीं कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। जब अखिलेश यादव की बारी आई बात करने की तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में आएगी तो उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उसको हम हल करेंगे और उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराएंगे। इसी के साथ एक घटना जो इस सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले हुई, एक व्यक्ति जो वकील की भेष में था वो यहाँ पे पहुंचता है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने की कोशिश करता है, एक जूता उनके सीने पे फेंक के मारा गया। उसको तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर थे उन्होंने पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आज जो ये सम्मेलन था वे बेहद हंगामेदार भी रहा, लेकिन जो पिछड़ों के जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर अब बातचीत करी। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी।